हे दोस्तों, आप में से कई लोगों ने सुना होगा आईपी एड्रेस। लाइक आप कोई फोन यूज करते हो, आपको बोला जाता है आईपी एड्रेस। मूवीज देखते हो, वहां बोला जाता है, किसी पर्सन को ट्रैक किया जाता है आईपी एड्रेस के जरिए। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस होता क्या है? व्हाट इज आईपी एड्रेस? तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में कि आईपी एड्रेस होता क्या है, आईपी एड्रेस कैसे फंक्शन करता है। तो दोस्तों, वेलकम टू अमन कंप्यूटर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अपने अमन कंप्यूटर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग का इस बटन पे क्लिक करें और इस बेल आइकॉन पर भी। इससे आपको आने वाले हर वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। और फेसबुक पेज से कनेक्ट करने के लिए सर्च करें अमन कंप्यूटर ऑफिशियल और पेज को लाइक करें। और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.amancomputer.com पे। सो दोस्तों, आईपी एड्रेस जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जी दोस्तों, आपको पता होगा प्रोटोकॉल का मींस होता है सेटअप रूल्स। कोई रूल्स रेगुलेशन आप सेट कर दो, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। आईपी एड्रेस का मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं तो आप ले सकते हो लेटर पोस्ट करने का। मैं आपको कोई लेटर भेजता हूं तो मैं आपको उसके लिए मेरे पास क्या क्या आपका कंटेंट होना चाहिए, आपका सिटी होना चाहिए, आपका स्टेट होना चाहिए, आपका इंडिविजुअल कॉलोनी इंडिविजुअल हाउस नंबर होना चाहिए। देन मैं इसको मैं एक लेटर पे लिखूंगा, देन इंडिविजुअल सारा कुछ मेंशन करूंगा, देन आपके पास वो लेटर पहुंचेगा। सेम इसी तरीका से नेटवर्क पे और इंटरनेट पे आईपी एड्रेस फंक्शन करता है। आईपी एड्रेस कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हो, लाइक आप मोबाइल यूज करते हो, टैबलेट्स यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, जिसके जरिए आप ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्टिविटी कर पाते हो और किसी भी वेबसाइट्स को, किसी भी सर्विसेज को आप यूज कर पाते हो। तो आईपी आपको जो प्रोवाइड करता है वो आपका आईएसपी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी उसे बोला जाता है जो आपको इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक वो जियो हो सकता है, लाइक वो एयरटेल हो सकता है, लाइक वो वोडाफोन हो सकता है, एक्सेट्रा, बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। तो इन कंपनियों से जैसे ही हम डेटा पैक लेते हैं और जैसे ही अपने डिवाइस पे डेटा ऑन करते हैं या नेट चालू करते हैं, ऑटोमेटिकली ये हमें एक आईपी प्रोवाइड कर देता है। वो आईपी मिलने के बाद हम रिक्वेस्ट भेजते हैं जिस भी वेबसाइट को मुझे एक्सेस करना होता है, लाइक मुझे गूगल एक्सेस करना होता तो मैं पुट करता हूँ www.google.com। बट बैकेंड्स पे मेरा जो सिस्टम का आईपी है, जो मेरे डिवाइस का आईपी है, वो एक्सचेंज होता है गूगल के आईपी एड्रेस के साथ। तो गूगल का भी अपना एक इंडिविजुअल आईपी होता है, आपका भी एक इंडिविजुअल अपने आईपी होता है, जिसके जरिए आपका कनेक्टिविटी स्टेबल होता है और आप जो भी डेटा आपको चाहिए होता है उसका आप यूज कर पाते हो। ये सारा प्रोसीजर हो पाता है आईपी के ही जरिए। तो दोस्तों, आईपी का वर्जन होता है आईपी वर्जन 4, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जो आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो, एक एड्रेस भी है। जी हाँ दोस्तों, ये डॉटेड नोटेशन में होता है और ये 4 ऑक्टल्स पे होता है। हर ऑक्टल्स पे कुछ एड्रेस होता है। ये आपका स्टार्ट होता है 0 से लेकर के 255 तक, एंड होता है इसके एड्रेस का, और उसके बीच का जो भी एड्रेस होता है उसे यूज करती है कंपनी, यूज करते हो आप अपने नेटवर्क पे एक्सेट्रा पे। तो दोस्तों, मैं आपको डीपली इसमें नहीं बताऊंगा और मैं आपको पजल नहीं करूंगा आईपी को लेकर के टेक्निकली जा करके। और आईपी पे जो आपका ईच ऑक्टल होता है, 4 ऑक्टल्स पे आपका डिनोट होता है, जो आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑक्टल, सेकंड ऑक्टल, थर्ड ऑक्टल, फोर्थ ऑक्टल, चारों ऑक्टल्स में आपका इंडिविजुअल नंबर्स, जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर समझता है, बाइनरी में समझता है, और इसे वो कन्वर्ट करके इंडिविजुअल लाइक डेसिमल पोर्शन में कन्वर्ट करके हम इस तरह का आईपी देता है, लाइक 95.5.191 एक्सेट्रा। इस तरह का आईपी हमें प्रोवाइड होता है और ये डॉटेड नोटेशन में होता है और ये 4 ऑक्टल पे होता है। ईच ऑक्टल पे आपका 8 बिट्स होते हैं और ये टोटल आपका 30 बिट्स लॉन्ग होता है आईपीवी वर्जन 4। तो आप जो भी डिवाइस यूज करते हो उसमें आपका आईपीवी 4 वर्जन मिल जाएगा और अपन आप आईपी फाइंड कर भी सकते हो। उसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सीधा आप विजिट करो गूगल पे और वहाँ आप टाइप करो सोमाई आईपी, तो आपका डिवाइस का जो आईपी है वो आपको मिल जाएगा गूगल पे, कि आप कौन सा आईपी यूज कर रहे हो, किस आईपी के जरिए आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो और डेटा कैसे कैसे एक्सेस कर रहे हो। और यही रीजन होता है कि आपको फाइंड कर पाता है ये पर्सन किस तरह का आईपी यूज कर रहे हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो दोस्तों, आईपीवी 4 वर्जन में एक प्रॉब्लम आया, क्योंकि कंपनी से जब बनाई थी आयना कंपनी ने बनाया था, तो आयना कंपनी ने ये चीज नहीं सोचा था कि इसके इतने मिलियन ट्रिलियन यूजर बढ़ जाएंगे। तो इसमें कुछ लिमिटेशन है, आप 4 मिलियन से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। सो आईना ने इसको अपडेट करके 2006 में एक नया आईपी वर्जन लाया, जिसका नाम था आईपीवी वर्जन 6। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। जी हाँ दोस्तों, ये आपका मिलियन ट्रिलियंस आईपीज अवेलेबल है इसमें, जो आपका 128 बिट लॉन्ग है और इसमें आपका इच ऑक्टल्स पे, इच बिट्स पे 16 ऑक्टल्स होते हैं। लाइक जैसे आप डिस्प्ले पे एक आईपी एड्रेस देख सकते हो आईपीवी 6 का एग्जांपल, बट कंपैरिजन ऑफ आईपीवी 4 से बहुत ही फास्ट है आने वाला अपकमिंग
टाइम पे विद इन 5 या 6 ईयर बाद का यूज किया जा सकता है, कंपनीज का यूज करेगी क्योंकि वो आईपी अब खत्म ही होने वाला है, देन ये कब का आईपी यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अमन कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।